शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वैशाली, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, एकदम खाना ठंडा हो गया है। गरम करके ले आऊं? वैशाली, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ना खाना खाना तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसी के खातिर खा लो। हमने उनकी याद में रो रो के टब भर दिए, वो आए और नहा कर चल दिए। ये अंग्रेज बिना जाते जाते अजीब सा कायदा छोड़ के गए हैं, अपने ही घर में घुसने के लिए दस्तक। पापा, एक मिनट के लिए आपको डिस्टर्ब कर सकती हूँ क्या? सॉरी, मैं दुनिया की पॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजी हूँ। आप कल आ सकती हैं और मुझे एक मिनट के लिए डिस्टर्ब कर सकती हैं। ठीक है पापा। ठीक है पापा। अरे वाह। क्या पापा? अरे बेटा, तेरा अपना घर है, हाँ? बेटा, अंदर आने के लिए तुम्हें परमिशन चाहिए, तुम्हारा अपना घर है, हाँ? ये कोई बात है? अच्छा बता, क्या बात है? बता बेटा, मुझे तो तू हर बात बता सकती है ना? इसलिए तो आपके पास आई हूँ पापा, क्योंकि ये बात मैं सिर्फ आप ही को कह सकती हूँ। पापा, मुझे ना चाहते हुए भी मम्मी जी के ऑर्डर के खिलाफ जाना पड़ेगा। क्या 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 क्या? हाँ पापा, ये बात मैं मम्मी जी से नहीं कह सकती, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत, लेकिन मैं मम्मी जी की ये बात नहीं मान सकती कि सबके साथ साथ मैं भी वैशाली दीदी का ख्याल रखूं। क्यों? वैशाली दीदी ना मुझे गलत समझती है। पता नहीं पापा, वो ऐसा क्यों सोचती है। मैं उनका और उनके होने वाले बच्चे का नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। ये क्या बकवास है? मैं सच कह रही हूँ पापा, मुझे नहीं पता कि वैशाली दीदी ऐसा क्यों सोचती है। जितना अच्छा करने जाती हूँ, वो मेरी हर बात को उल्टा ले लेती है। उनके साथ जो गलत होता है, उन्हें लगता है कि वो सब मैंने किया है पापा। इसलिए पापा, मैंने डिसाइड किया है कि अब वैशाली दीदी जो भी करेंगी, जो भी कहेंगी, उनके बीच में मैं नहीं बोलूंगी। सोच रहे पापा? पापा, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे साफ साफ कह दीजिए पापा। तुम सही हो नियति। वैशाली आजकल जिस तरह का बर्ताव कर रही है ना, अरे कब किस बात पे भड़क जाए, कब क्या कह डाले, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर पता नहीं उसे तुमसे क्या प्रॉब्लम है। इतना कुछ तो करती हूँ उसके लिए। एक बात सुन लो मेरी, आज से उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, समझ गई?
प्लीज वैशु, थोड़ा सा खा लो ना। अरे तुम क्यों नहीं खा रही हो वैशु? देखो वैशु, ऐसा करने से तुम अपने आप को और हमारे बच्चे को तकलीफ दे रही हो। अच्छा पापा, इस घर के सभी लोग बुरे हैं, उन सबकी सजा अपने बच्चे को क्यों दे रही हो वैशु? प्लीज खाना खा लो ना। तुम आखिर चाहती क्या हो? जैसे कि तुम नहीं जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं अपने मॉम के घर जाना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए पूजा करवाना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे के पैदा होने तक अपने मायके में रहना चाहती हूँ। जाकर कह दो अपनी माँ से कि मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, मुझे मेरे मायके भेज दे। खाना खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ मेरी बला से, लेकिन मैं मां से तुम्हारी सिफारिश नहीं करने वाला। मत करो मां के पूत, इतनी बीवी की सिफारिश मत करो। लेकिन देखना, अगर तुम्हारी माँ खुद अपनी मर्जी से मुझे मेरे मायके ना भेजते तो मैं भी अपनी सास की बहू नहीं। माँ जी आपको और दूँ? नहीं। अंबर तुम्हें? मेरा भी हो गया बस, थैंक यू। अरे ले लो ना। अच्छा दे दो, लेकिन सिर्फ एक। खाओ ना। अरे बड़ी, हमें अभी निकलना पड़ेगा, तुम तैयार हो ना? बस पर्स ही लेना है माँ जी। हाँ तो फिर चलो जल्दी करो। अरे आज वो बंटी के स्कूल में ओपन हाउस है ना, तो मैं वहीं जा रही हूँ। हाँ आपने बताया था परसों। मैं और ये वहाँ जाएंगे, उसके बाद इन्हें माझी को और ऋषि को किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना है, उसके बाद मैं घर आ जाऊंगी। मैं चलता हूँ, मुझे आज ऑफिस एक घंटा पहले पहुँचना, एक जरूरी मीटिंग है। अरे नाश्ता मैं रास्ते में कर लूंगा। चलो भाई, बहुत देर हो रही है, हम भी निकलते हैं। ये बड़ी चलो। हाँ भाभी, इतनी परेशान क्यों हो, क्या हुआ बताए ना। अरे आओ ना, आ बताती हूँ तुझे। ये देख, कैसे हो भाभी? मैं फॉल बेडिंग करने बैठी थी, हे भगवान। भाभी आपको पता है ये साड़ियाँ कितनी महंगी है? अब क्या होगा कामनी? अब मुझे क्या पता क्या होगा, ये तो वो कॉन्ट्रैक्टर ही बता सकता है ना। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे समझाऊँ ये सब। Ha!
क्या करूं मैं? घर पे एक तो कोई नहीं है और वैशाली दीदी की तबीयत खराब होती जा रही है। मुझे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है और पता नहीं पापा मॉर्निंग वॉक से कब तक लौटेंगे। अब मैं क्या करूं? जाऊं या नहीं जाऊं? नहीं, मुझे अब वैशाली दीदी के बछड़े में पढ़ना ही नहीं है। नहीं पढ़ना है मतलब नहीं पढ़ना है। नहीं, मैं उन्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? हेलो डॉक्टर रूपा जी। डॉक्टर रूपा, मैं नियति बोल रही हूँ शास्त्री निवास से। डॉक्टर, आपके पेशेंट की हालत फिर से खराब हो गई है, प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी आ जाइए। ठीक है डॉक्टर, तो आप अपने जूनियर डॉक्टर को भेज दीजिए प्लीज़ थोड़ा जल्दी। शास्त्री, आपको डॉक्टर रूपा ने बताया था ना कि इस वक्त आपकी बहू को अच्छी से अच्छी खुराक की जरूरत है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने कितने दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अगर ये ऐसे ही भूखी रही ना तो पता नहीं क्या होगा इनका और इनके पेट में पल रहे बच्चे का। क्या करें डॉक्टर, घर में तो सब इसकी खातिरदारी में लगे रहते हैं। अब यही अगर जिद करके ना खाए तो कोई क्या करे। लेकिन वैशाली और इनके होने वाले बच्चे की सलामती के लिए ये जरूरी है कि ये अच्छी तरह से खाना खाए और खुश रहें। इसलिए ध्यान रखिए, डॉक्टर रूपा ने जो दवाई दी है उसे टाइम पर देते रहिएगा। जी ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। हेलो, हाँ दुबे जी, बस मैं निकलने वाली थी। आप अभी तक घर पर ही हैं? टाइम पता है कितना हो गया? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी काम में कोताही शुरू कर देंगी। नहीं दुबे जी, ऐसी बात नहीं है, मेरी जेठानी की अचानक थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए रुकना पड़ गया। मैं बस निकल ही रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आज चाहे ओवर टाइम कर लूंगी लेकिन सारा काम खत्म कर दूंगी। देखते हैं, पहले आप ऑफिस पहुँचिए तो सही। जी दुबे जी। वैशाली का पागलपन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेरे जिस पोते या पोती ने अब तक जन्म भी नहीं लिया है वो इसकी कोख में पल रहा है। उसकी ज़िंदगी की खातिर अगर मुझे इसकी बेवकूफ़ी और ज़िद के सामने झुकना भी पड़ा ना तो झुक जाऊँगी। वैशाली, अगर तुम अपने होने वाले बच्चे की दुर्दशा सिर्फ इसलिए कर रही हो कि तुम मायके जाना चाहती हो तो जाओ। लेकिन याद रखना वैशाली, तुम्हारी ये गलत जिद मैं सिर्फ अपने होने वाले पोते या पोती के लिए पूरी कर रही हूं, इसलिए आज से उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है। अरे सेठी जी, कैसे आना हुआ? कुछ चाय वाय लेंगे? ना जी, मैं चाय वो नहीं पीने का। अरे तो कुछ ठंडा ले लीजिए। नहीं, ठंडा उंडा भी नहीं।
ऋषि जी माँ, चाय मंगवाओ इनके लिए। कैसे आना हुआ आपका? पैसा लेने तो आप शाम को आने वाले थे ना? वो तो मैं शाम को ही आऊंगा, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे राम राम करता चलूं और शाम की याद भी दिला दूं। आपको तो पता है कि लेन देन के मामले में मुझे घंटा मिनट और सेकंड का भी फर्क बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पैसे का लेन देन हमेशा खरा और वक्त पे होना चाहिए। आप शाम को निश्चिंत होकर आ जाइए, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। लीजिए सर। लीजिए, चाय भी आ गई, अब तो एक कप चलेगी ना? चलेगी, अरे दौड़ेगी, बिल्कुल दौड़ेगी। भाभी, मैंने उस कॉन्ट्रैक्टर से बात की, उसने कहा जितनी भी साड़ियां खराब हुई है सबके पैसे आपको भरने हैं। ऊपर से अब तक आपने जितने काम किए हैं उसके एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। हेलो, क्या तो मैं क्या करूं? देखिए, वो साड़ियां मैंने आपके भरोसे आपको दी थी और मुझे वही साड़ियां वापस चाहिए, सही सलामत। बस किसका फोन था समीर? माँ, वो फॉल बिडिंग वाले कॉन्ट्रैक्टर का फोन था, कह रहा था कि जो औरत फॉल बिडिंग करती है उसने बहुत सारी साड़ियों पे गलती से स्याही गिरा दी। क्या? तुमने उन्हें बताया नहीं कि हम इतने पैसे नहीं दे सकते? मैंने बात की भाभी, उसने कहा इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकता, और वो भी तो किसी साड़ी की दुकान से ही माल उठवाया था ना, अब वो दुकान वाला अपना नुकसान क्यों सहेगा? माँ, जो ग्राहक उन साड़ियों के एडवांस देकर गए हैं, हम उन्हें वो साड़ी कैसे देंगे? और माँ, हम इनका पेमेंट कैसे करेंगे? कहीं से दो भाया, मैं तो शाम को अपने पैसे लेने आ रहा हूँ। पैसे नहीं दिए तो पूरा स्टॉक उठा के ले जाऊंगा। समझे? नमस्कार। कितने पैसे देने होंगे मुझे? ये तो नहीं पता भाभी, वो पूछ कर बताएगा। पर इतनी बात तो पक्की है भाभी, साड़ियां हजारों की होंगी। अब क्या होगा? होगा क्या, जिसने हमारा नुकसान किया है भरपाई भी वो ही करेगा, उसे करना ही पड़ेगा।